दोस्तों फोर व्हील मैकेनिक जो रिपेयरिंग का काम करते हैं और जो वर्कशॉप खोलने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये किट होने वाली है। ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक, 80 से लेके 35 तक सारा सामान आपका 8 नंबर से पाने से लेके 32 नंबर के सॉकेट तक और स्पेशल टूल से लेके इंजेक्टर खोलने वाले टूल तक सारी चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये वीडियो को पूरा देख ले, पूरा वीडियो बताएंगे और पूरे वीडियो के अंदर डिटेल वाइज आपको वीडियो बनाएंगे क्या क्या किट में आने वाला है, कंप्लीट आपको बता देंगे। और वीडियो के एंड में कहीं मत जाना, आपको मैं खास चीज बताने वाला हूँ प्राइस, जो वीडियो के एंड में मैं आपको आज की प्राइस भी बता दूंगा कि ये पूरी किट आप कैसे मंगा सकते हैं और क्या प्राइस पे मंगा सकते हैं। तो फैजल भाई बता दीजिए आप। अभी जो पहले से जो स्टार्ट करता जो गैरेज जी, जिसको सबसे पहले उसको फिक्स माना लगता है, टिक माना लगता है, ठीक है, तो उसमें मैंने टाटा कंपनी का ऐड किया है। और मैं बता देता हूँ आपको, ये पूरा डाटा ओरिजिनल ओरिजिनल डाटा लोगो वाला रहेगा, 6-7 से स्टार्ट हो गया, 30-32 तक आ जाएगा। फिक्स पाने का सेट है, इसको चाबी पाने का सेट बोलते हैं, ओपन का सेट बोलते हैं इसको, ये फिक्स पाने का 6-32 तक का आ जाएगा पॉकेट के अंदर। सबसे रनिंग आइटम रिंग पाना, और ये पूरा एक रिंग पाने का सेट आ जाएगा 6-7 से लेके 30-32 तक, 30-32 6-7 से लेके पूरा 30-32 तक आ जाएगा। और ये पूरा इलेक्ट्रिकल है, ये आपको मैं टाटा कंपनी का भी लोग बोलेंगे भाई फैजल भाई आपने तापड़े नहीं डाला, इंस्ट्रूमेंट नहीं डाला, टाटा ही क्यों डाला, टाटा में इसीलिए सजेस्ट करूँगा इसमें लाइफ टाइम गारंटी आती है। ओके, कभी भी टूटा पीस टू पीस रिप्लेस, और दूसरी बात आपको उसको कभी भी आपने कपड़ा मारा नया हो जाएगा, और सबके अंदर मेट फिनिश आता है, इसमें क्रोम आता है, क्रोम आता है, ठीक है। 30-32 तक का पूरा सेट आएगा, और एक ये पाने का सेट है, कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, ये सब एक ही किट में दे देंगे आप, ये सब एक ही किट में पूरा किट ही बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, क्योंकि आपको एक ही जगह पे पूरा सामान मिल जाएगा, ठीक है। और बाय चांस अगर इतना सारा आइटम है, अगर किसी का ऑर्डर भी आता है, अगर कोई चीज़ मेरे पास मिसिंग है तो मैं उसको पहले कॉल करके बता दूंगा भाई ये आइटम नहीं है, इसका तेरा मैं पैसा माइनस करता हूँ, या तो फिर मेरे पास 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं इतना सारा आइटम दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले से बता दिया, अभी इतना आइटम आप खुद देख लो आप। ओके, देखो 6 नंबर से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया, ओके, 32 नंबर तक है, एक तरफ फिक्स एक तरफ रिंग, एक तरफ रिंग। और आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, अच्छा था खाली आपको डिस्प्ले मारना है आपका ऑटोमोबाइल के अंदर, खाली आपने वुडन का प्लाई लगा दिया, उसके ऊपर आपने अच्छे से लेमिनेशन करा लिया, रेड कलर करा लिया, उसके ऊपर खाली पाने टांग देना है, तो कस्टमर को लगेगा भाई क्या आइटम लेके आए। ओके चलिए आप, ठीक है, ओके, ये सारा आइटम। अभी ये आएगा एस पाने का सेट, ठीक है, ये भी मैंने ऐड किया है अरुण भाई। ओके, ये कोई की ऐसे मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं है, हमने किट के अंदर ऐड किया है ताकि उसको कहीं पर रखना नहीं पड़े, जाना नहीं पड़े, एक ही जगह पे सब काम हो जाना चाहिए। ये एस पाना का जो ऑकवर्ड जगह में जहाँ पे रिंग पाना नहीं जाता है वहाँ पे डिजाइन वाला जाता है, वहाँ पे एस पाना ये काम, एस पाना इसी तरह। ये सी पाने का सेट है, सी पाना, ठीक है, पूरा सेट आ जाएगा, सी पाने का सेट हमारे पास। ओके, ये पूरा सी पाने का सेट, ठीक है, एस पाना सी पाना दोनों हमने किट में ऐड किया है। इसके बाद ये हमारा आ गया, उसके बाद ये कट स्पेंडर का सेट आ गया है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होगा जो कट स्पेंडर का पूरा सेट है, ये आपका 8-10 सब पूरा आ गया, इसके अंदर आपका जो पाइप जो लीकेज का जो पाइप रहता है वो खोलने में काम में आएगा, ठीक है। ओके, सारा कवर कर रहे भाई, सारा कवर, और एक कट पाने का सेट आ गया है, जो ब्रेक में से जो एल निकाल दे ना, एक तरफ 8 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 17 नंबर, ये पूरा सेट आ चुका है। ओके, ठीक है, ये भी ऑटो कंपनी का ऐड किया हमने, अगर ये नहीं होगा हमारे पास तो हम आपको लूज में भी देंगे, पूरा किट देंगे। और ये आइटम देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक ये में ये भी टूल्स मैंने ऐड किया है, ये रेचर वाला है, ये कॉम्बिनेशन रेचर वाला, आपने कॉम्बिनेशन सादा देख लिया, ये भी इलेप्टिकल में रेचर वाला है। ओके, देख लो, सब प्रीमियम क्वालिटी का है, 7 पीस का सेट आएगा पूरा, ये देख लिया, 19 तक ये 19 तक पूरा सेट आ गया, वाह, ठीक है। वन फोर का पेटी दे दो, पहले देखो ये 1/4 का मैंने पेटी ऐड किया, ये भी ऑटो कंपनी का, मेड इन पोलैंड का आएगा। ओके, 46 पीस आएगा इसके अंदर, ये 1/4 का आएगा, ये पूरा किट आएगा, 72 ग्रेड आएगा इसमें 1/4 में, हाँ, ठीक है। और ये 4 नंबर से शुरू होकर आपको 14 नंबर, 1/4 का रेचर 850 रुपए का आएगा। ओके, उसमें ये आप जो बोले अरुण भाई 4 नंबर से स्टार्ट होकर 14 नंबर तक आएगा, 14 नंबर तक, और 7.5 का एलिंग आ गया, तो ऑल्टरनेटर में काम आता है, ये मल्टीपर्पज सभी काम सब में काम आएगा, ठीक है।
उसके बाद ये हमारा आधे का 1-2 साइज का आ गया। 1-2 अभी इसमें 10 नंबर से लेके 32 नंबर तक आ गया। ओके ये भी 72 गियर वाला आएगा, याटो कंपनी का आएगा। और इसका अंदर एक्सटेंशन वगैरह सब मिलेगा, जिसको जैसे काम करना है ये तो पता ही रहता, उसको पता है सही पूरा आ गया। मगर ये हमने ऐड किया हुआ, इतना डिटेल में हमने ऐड किया हुआ है। अब एक एक चीज देखना, आपका व्यूअर्स लोग को मैं बोल रहा हूँ, आप एक एक चीज देखना, ये पूरा किट ही देंगे हम। ये पूरा सामान आ गया, पूरी ये जो पेटियां ना, ये भी मैंने ऐड किया। ये किस लिए? ये हालांकि वो उससे काम हो जाएगा, जिसका बजट नहीं है वो भी ले सकता है, लेकिन ये जो किट के अंदर जो मैंने जो वीडियो बनाया ना, हाँ। के ब्रेक डाउन भी आ गया, हाँ। इसको खाली आपको ताला मार के रखना है। अच्छा, जब आपका कस्टमर का फोन आया, भाई यहाँ पे गाड़ी बंद हुआ है, इसको आपको लेके जाना है, लेके चले। इसके अंदर आपका सब आ गया, 32 नंबर का बॉक्स पाना गया, 1438 और 1-2 रेचर भी आ गया। इसमें 72 गियर वाला है, डेली कंपनी का आएगा, 72 गियर वाला आएगा। और दूसरी बात, इसमें ई सॉकेट सेट भी आ गया, देख लीजिए, ई सॉकेट भी आ गया इसके अंदर, एलएनके भी आ गया है, और ये आपका लॉन्ग बॉक्स पाना भी आ गया, पेचिया भी आ गया, यूनिवर्सल जी, यूनिवर्सल आपको फिल्टर पाना खोलने का कॉम्बिनेशन भी आ गया है। ओके, ये पूरा ब्रेक डाउन पेटी जो मैंने किट के अंदर ऐड किया है, और लाइन चेक करने के लिए टेस्टर भी आ गया जी, ये पूरा किट ऐड किया, पूरा किट आ गया। ठीक है, कितने पीसेस इसके अंदर होगा आपका? तकरीबन 126। ओके, पूरा पेटी आ गया। ओके, ये और एक ये वाला भी सेट मैंने ऐड किया है किट के अंदर। ठीक है, ये आपका टॉक्स और ई दोनों आ गया, ई सॉकेट सेट और टॉक्स सॉकेट सेट। अभी इसमें जो स्टार्टिंग ने 10 से स्टार्ट होके 24 तक आ जाएगा, 24 तक। ठीक है, और ट्रॉक्स के अंदर आपका स्टार्ट हो गया T30 से स्टार्ट हो गया आपका T70 तक आ गया। ठीक है, ये पूरा किट में हमने सब जो भी आइटम दिख रहा पूरा किट में ऐड किया, पूरा किट में ऐड किया। ठीक है, और ये 40 पीस का पेटी है, याटो का है ये भी जी। ये सबसे रनिंग किट है बोलते हैं इसको, सबसे रनिंग है, सब काम में लगता है। इसमें एलएनके आ गया आपका, ये स्कोडा में लगता है, हाँ। स्कोडा के अंदर लगता है, 12 बेल वाला वो भी आ गया है, हाँ। एलएनके भी आ गया, एलएनके में शॉर्ट लॉन्ग बड़ा आ गया है, टॉक्स के अंदर लॉन्ग शॉर्ट दोनों आ गया है, दोनों आ गया। ठीक है, 40 दूसरा पेटी बोलते हैं, ये भी ऑटो कंपनी का हमने ऐड किया है। ओके, और ये आपका हेड का एलएनके सेट बोलते हैं इसको, हेड का जो हेड में लगता है, हाँ। वो पेल अलग है, ये पेल अलग है, अलग है। ठीक है, ये इसमें 6 पेल आते, उसमें 12 पेल आते हैं, और इसमें टॉक्स भी जो दिया ना, इसमें विथ होल दिया, विथ होल दिया हुआ। ओके, ठीक है, ओके, स्पेशली हेड के अंदर लगता है, हर गाड़ी के अंदर हेड में लगेगा। कितने के पास टूल्स नहीं रहता, वो जुगाड़ करके इसको ठोक के बिठा के खोल देता है, लेकिन हेड का पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, अभी ये कॉइल स्प्रिंग कूलर ऐड किया है। ओके, और ऐसा नहीं, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने किट बनाया तो सब लोकल आइटम डाल रहे हैं, इसके अंदर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब प्रीमियम क्वालिटी, ये आपको एक्स्ट्रा कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा आपके बोलेगा भाई 6000 रुपया देता तो भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने किट के अंदर हेवी ड्यूटी डाला है। ओके, कि एक ही बुलेट से उसका सारा काम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बुलेट लिया अभी बाद में 6 महीने बाद दूसरा लेना पड़ेगा। ये एक ही बुलेट ले लिया, उसका फंटी से लेके ऑडी से लेके बीएमडब्ल्यू से लेके मर्सिडीज से लेके सभी गाड़ी इसके अंदर आ गया। ओके, ठीक है, उसमें आप गन भी, गन से भी यूज कर सकते हो, मैनुअल भी यूज कर सकते हो। इसको सिंगल कॉइल स्प्रिंग कूलर बोलते हैं, जंपर दबाने के काम में आएगा। इसमें मैंने थोड़ा मीडियम रेंज के अंदर मैंने ये वाला, ये भी चीज ऐड किया है। ओके, जो आपका ब्रेक का कैलिपर दबाते हैं, हाँ। वो भी मैंने ऐड किया कि ताकि किट ले तो उसको परेशानी नहीं होना चाहिए, उसको पैसा खर्च कर रहा है तो उसका काम पूरा हो जाना चाहिए। इसमें ये भी ऐड किया मैंने ब्रेक कैलिपर किट, जो ब्रेक का पिस्टन दबाते हो उसमें मर्सिडीज से लेके ऑडी से लेके सब गाड़ी का ब्रेक कैलिपर किट आ गया, इनर आउटर दोनों आ गया। ओके, ठीक है, ये स्पेशल टूल्स भी मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया इसके अंदर। ठीक है, कुछ कुछ गाड़ियों में लग जाएगा ये टूल आपका, रनिंग 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 गाड़ियों में जो लग जाएगा, ये नई चीज़ है, डैशबोर्ड किट है। ये डैशबोर्ड किट जो अभी सबको लगता है, जो आप जो अगर आप वायरिंग का भी काम करते हो, आपको डैशबोर्ड खोल के आपको वायरिंग करना पड़ता है, आपको कुछ बोल्ड वगैरह खोलना तो पहले डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, उसके बाद खुलता है, तो आप लोग पेचिया मार के खोलते हो, तो ये पूरा किट हमने डैशबोर्ड किट के अंदर पूरा हिट किया है। तीन वाले फिल्टर इन मैंने किया। ओके, सेंटो एमपीफाई इनोवा, ये तीन टाइप मैंने कप टाइप फिल्टर मैंने ऐड किया। ओके, ये रनिंग है एकदम। ठीक है, अभी आप फिल्टर पाने की खाली रेंज देखते हैं, बहुत लंबी है जो हमने जो ऐड किया है। ओके, तीन ये बेल्ट वाले भी ऐड किए मैंने, तीन बेल्ट वाले, ये
ये भी याटो कंपनी के। ओके तीनों तीन रनिंग है, तीनों तीन ऐड किए है, ऐड किए किट के अंदर तीन ये ऐड किए है, और एक चेन वाला मैंने फिल्टर वाला ऐड किया है, चेन वाला यूनिवर्सल। अगर उससे काम नहीं हो रहा है ये कर देगा, इससे काम नहीं हो रहा तो ये कर देगा, और इससे काम नहीं होगा ठीक है ये कर देगा, और एक थ्री लेग वाला फिल्टर रेंज मैंने ऐड किया। ये सब किट में आने वाला है, सब किट में किट में आने वाला है सब। ये आपका एडजस्टेबल आएगा पूरा ठीक है। एक येलो वाला भी ला रिजवान, एक ये आपका यूनिवर्सल भी ऐड किया मैंने। ये सबसे हॉट रनिंग आइटम है, ढूंढने से भी नहीं मिलने मिलेगा। छोटी साइज का अभी खोलेगा ना आप यहाँ से तो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपका जो भी साइज का फिल्टर आया खोल दिया स्प्रिंग है। छोटी साइज का भी ऐड किया मैंने और बड़ा वाला भी, बड़ी साइज का भी ऐड किया है। देख लीजिए आप ये यहाँ से पूरा ये लॉक हो गया, इतना बड़ा भी फिल्टर होगा आपका खुल जाएगा, खुल जाएगा। खाली ये दो फिल्टर भाने भी ले लेंगे तो भी आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने पूरा गेट के अंदर ये पूरा एक जगह पे। और एक ये वाला भी फिल्टर माना ऐड किया मैंने, बेल्ट वाला। अच्छा खाली आप फिल्टर पाने मेन जाने गाड़ी के अंदर, मेन फिल्टर खोलना ही सबसे ज्यादा वही उपयोग होता है। ये बेल्ट वाला भी ऐड किया मैंने फिल्टर रेंज, और एक ये दो फिल्टर रेंज मैंने किए शिफ्ट का और ब्रेजा का। एक फ्यूल टैंक बुले वाला रिजवान, शिफ्ट का और ब्रेजा का दोनों हैवी ड्यूटी एल्यूमिनियम है, हैवी वाला ये भी ऐड किया मैंने शिफ्ट और ब्रेजा का ठीक है। ये और एक फ्यूल टैंक रिमूवल है, ओके ये भी फिल्टर के काम में आता है। हाँ। लेकिन ये कोई पुलर वो काम नहीं करेगा जो ये करेगा। ओके जो फ्यूल का जो टैंक आता प्लास्टिक वाला। हाँ। अभी आप कितने लोग पकड़ से खोलते, आप पकड़ से खोलेगा तो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। ये वहाँ पे लग गया, बोल्ट टाइट कर दिया, एडजस्टेबल है। जो भी साइज का फ्यूल आया वहाँ पे लगा दिया आपने, खोल लिया। फ्यूल का जो टैंक आता प्लास्टिक का उसके काम में आता है। ये भी मैंने किट के अंदर याद से ऐड किया हुआ है ताकि हैरान ना हो, परेशान ना हो। सही ओके। हाँ ये 3/4 का टॉमी ऐड किया मैंने, 3/4 का टी टॉमी। अभी जो आपने जो छोटा पेटी जो लिया 1/2 वाला, अगर उसको भी आपको लगाना तो उसका एक एडेप्टर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। ये आपका छोटा सा पेटी है, ये कौन सी कंपनी का है? ये डिनर्स कंपनी का, कभी भी टूटेगा स्लिप मारेगा गारंटी वाला फिक्स टू फिक्स रिप्लेस मिलेगा। ये ऐसे लग जाएगा ठीक है, और आपको छोटे में से बड़े टोमी करना है तो भी आप लगा सकते हो। और 3 बॉक्स वाला मैंने ऐड किया है, ओके 32 XL के लिए, 32, 34 और 36 जो रनिंग जो बॉक्स पाने वो मैंने ऐड किया है ठीक है। अगर किसी को इसके अलावा 38, 40, 42, 46, 50, 52, 55 जो भी साइज चाहिए एक्स वाइड जो, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको लेना रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो रनिंग जो तीन थे वो मैंने ऐड कर दिए सर जी। ये 3/4 का टोमी, उसका एडेप्टर और 3 बॉक्स पाना डन। ओके अभी प्लेयर का रेंज देख लो आप पहले, ये डीजल के लिए प्लेयर मैंने दिया ऐड किया है, और जो डीजल का जो प्लास्टिक का जो पाइप खोलते ना, और नाखून मार मार के थक जाता है बेचारा, नाखून टूट जाता है लेकिन पाइप नहीं खुलता, नहीं खुलता या तो पेचिया मारते तो पाइप फट जाता है, पोपड़ पाइप अंदर घुस जाता है। डीजल क्लिप लैड वो भी मैंने किट के अंदर ऐड किया हुआ है। ओके एक ये फ्यूल टैंक रिमूवल, ये जो फ्यूल का जो पाइप जो खोलते हैं ना वो भी मैंने ऐड किया हुआ है। जो फ्यूल का जो पाइप आता है उसको यहाँ से कनेक्ट करके आप खोल सकते हो, प्लास्टिक का पाइप आता है पकड़ के खोलेगा टूट जाएगा, ये स्पेशली फ्यूल का जो खोलने के लिए आता है वो भी। एक ग्रिप लैड ऐड किया है, एक मैं प्लेयर यहाँ पे रहना बता दूंगा, ग्रिप लैड ऐड किया है, ये ग्रिप लैड, और एक ये वाला इंटरनल एक्सटर्नल नोज प्लग ऐड किया मैंने, इसमें बैंड वाला भी ला, बैंड वाला। आप खाली प्लेयर का रेंज देखो मैंने किट के अंदर कितना सारा आइटम, बहुत सारे प्लेयर, तकरीबन 2000 से 3000 प्लस आइटम होगा एक किट में। हाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। देखिए सब ब्रांडेड आइटम ऐड किया मैंने। एक ये इंटरनल वाला ऐड किया है, इंटरनल जो लॉक को दबाएगा, एक्सटर्नल जो लॉक को खोलेगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऐड किया है। और उसी में अभी कितने लोग का बैंड आता है, बैंड में, बैंड में ये लॉक खोलेगा। हाँ जी वहाँ पे ये बैंड में एक्सटर्नल और ये इंटरनल लॉक खोलेगा, लॉक दबाएगा ठीक है। नोज प्लेट इसमें 6 इंच वाला ठीक है, और एक 8 इंच वाला नोज प्लेट, दोनों ऐड किया मैंने छोटा और बड़ा पक्का। एक ये प्लेयर ऐड किया मैंने, बहुत प्लेयर भी जी, और प्लेयर भी ऐसा नहीं किट के अंदर 100 रुपये वाला डाल दिया है, खाली 350 रुपये खाली एक पकड़ ही है, डेली कंपनी का जी, वो भी मैंने बेस्ट क्वालिटी का ऐड किया। या प्रीमियम किट दिखाने तो क्वालिटी भी प्रीमियम भी डाल रही है, सब प्रीमियम। ये देखो वाटर पंप प्लेयर, खाली आप देख लो इसका, डेली कंपनी का जी। इसका एक हॉस क्लैंप प्लेयर भी ला, वायर वाले भी ला, ये हॉस, ये देखिए आप अपना वाटर पंप प्लेयर, ये भी हैवी ड्यूटी वाला ऐड किया मैंने, बिग साइज वाला ठीक है। और ये हॉस क्लैंप प्लेयर, ये एक हॉस क्लैंप प्लेयर भी मैंने ऐड किया जी, जो पोपट प्लेयर से लोग हॉस क्लैंप खोलते ना बेचारे, वो भी मैंने परफेक्ट ऐड किया है, जिसको परेशानी ना हो। ये हॉस क्लैंप प्लेयर भी ऐड किया मैंने, ओके
और एक ये वाला भी हॉस्पिटल प्लान मैंने ऐड किया वायर वाला। ओके, या जहाँ पे अंदर बोनट के अंदर जाके आपको काम करना है वहाँ पे जाके लॉक हो जाएगा, ये वायर वाला भी मैंने उसके अंदर एक ऐड किया हुआ और किट के अंदर। अभी आप देखो एक बार प्लायर का खाली इतना सारा था, मैंने प्लायर ऐड किया, आप देख लो 17-18 प्लायर है ये पूरी। ये फिर क्या है जी? अभी ये जो है ना कट, और एक ये वाला भी मैंने अरुण भाई प्लायर ऐड किया, ये पिस्टन रिंग प्लायर है। ओके, जो पिस्टन का रिंग दबा देना वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लीजिए। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये अभी ये आएगा रनिंग सिस्टम से बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका पिस्टन रिंग कूलर भी आ गया है। ओके, ये भी याद से मैंने ऐड किया हुआ है, पिस्टन रिंग कूलर। कूलर तो पिस्टन का रिंग दबा देना ना, ऐसे यहाँ से खुल जाएगा। हाँ, दबाऊंगा तो मैं आपका बहुत सारा काम हो जाएगा जी यार। सिंपल पिस्टनिंग बोल्ट बोलते हैं। ओके, अभी मैंने बेस्ट क्वालिटी का मेड इन ताइवान वाला ऐड किया। एक स्पेशल प्लायर वाला भी मैंने ऐड किया है। अभी ये प्लास्टिक का प्लायर है, अभी कितना व्यूअर्स लोगों को पता ही नहीं होगा ये आइटम क्या है। ये रेडिएटर का जो कूलर का जो पाइप में तो जो पानी लीकेज होता है, जहाँ पे आप लोग उसको काट के ऐसे रख दे तो वो पूरा दिन आप परेशान रहते हो, पूरा गैरेज में पानी हो जाता है, या आप काम करते तो आपके सर से पानी गिरता कहते भी। ये कूलर का आपका जो प्लास्टिक का जो पाइप है उसको पकड़ लिया और उसके आपने लॉक कर लिया, ये लॉक कर दिया, इससे आपका पाइप खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। तीन पीस का सेट ये भी मैंने ऐड किया, बड़े वाला जी वो बड़े, ये तो मैंने पहली बार देखा है जी। एक यूनिवर्सल क्लच टूल मैंने ऐड किया है। ओके, जो अभी जो क्लच का जो सेंटर मिलाते हैं, कितने लोग सेंटर गाइड पिन से मिलाते हैं, उसके अंदर लेवल बड़े से नहीं होता है, ये आपने लगा दिया इसको, यहाँ से खाली आपने खींच लिया, देखिए पूरा खुल गया आपका जो सेंटर गाइड पिन है, जो पूरा आपका जो सेंटर ऑफ क्लच पूरा सेंटर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी मैंने क्लच टूल भी ऐड किया है। एक फ्लाईव्हील लॉक होल्डर ऐड किया मैंने, फ्लाईव्हील का जो लॉक खोलते हैं ना वो भी पूरा मैंने ऐड किया है उसके अंदर। अब आ गए, और ये अभी जो आप पीछे का रेंज आ गया, ये पीछे भी स्टीयरिंग पुला दिला ना चल, अभी ये पीछे दिखा देता हूँ मिल नहीं रहा। ओके, कोई बात। अभी जो पेशे का देखे, मैंने पेशे भी बहुत सारे इसके अंदर ऐड किए हुए, कंप्लीट एक इम्पैक्ट डायर भी ले गया, एक 810 छोटी साइज वाला, एक 803 मॉडल नंबर वाला, एक 974 मॉडल नंबर वाला, एक 904 मॉडल नंबर वाला, एच वाला जो अभी जो एच वाला हैवी ड्यूटी पेची आया है वो ऐड किया मैंने। ये प्लास्टिक फट जाता है पेची के अंदर, सब क्वालिटी तापरिया का गुड क्वालिटी आता तो मैंने वो वाला वही रखा। ठीक है, जो बड़ा पेचा जिसको बड़ा पेचा चाहिए वो एक बड़ा पेची ऐड किया मैंने, 931 वाला नंबर वाला। ठीक है, वाला पेची ऐड किया मैंने। ठीक है, और एक PH3 में जिसको मोटा बेल वाला चाहिए वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जहां स्क्रू आते हैं। और ये सब रनिंग पेची ऐड किया, छोटी साइज वाला सब 2-in-1 है, मैग्नेटिक वाले सब मैग्नेटिक वाला 2-in-1 है, ये भी मैंने किया हुआ है। और एक 852 वाला नंबर वाला भी पेची ऐड किया है, जिसके अंदर आपका दोनों तरफ प्लस मिलेगा आपको, छोटी साइज और बड़ी साइज। टोटल बता दो कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पेची हमने, 11 और उसके बाद हमने एक इम्पैक्ट ड्राइवर सेट ऐड किया है। ठीक है, इम्पैक्ट ड्राइवर सेट ऐड किया हुआ। ठीक है, ये पूरा सेट हमने ऐड किया हुआ है, बॉल जॉइंट बुलर मैंने ऐड किया हुआ है, एक मल्टीपर्पज है जो आपका प्रीमियम सब गाड़ी में लग जाएगा। ओके, मल्टीपर्पज बॉल जॉइंट कूलर को जस्ट, को एक ये वाला कूलर ऐड किया हुआ है और एक ये वाला ऐड किया हुआ है मैंने, बॉल जॉइंट कूलर देसी वाला जो अपना रनिंग गाड़ी के अंदर सब में लग जाता है। ठीक है, ठीक। और एक ये टायर रॉड कूलर मैंने ऐड किया, जो स्कोडा गाड़ी का जो गुटका चटका थे हथौड़ी मारते सेंसर उड़ जाता है, उसके लिए भी मैंने एक आइटम ऐड किया टायर रॉड कूलर, जो ये भी ऐड किया हुआ है मैंने। या एक इंजेक्टर लूजनर भी ऐड किया हुआ मैंने, शिफ्ट गाड़ी का जो इंजेक्टर का लूजनर को आप लूज करके फिर बाद में इसको फटका मार के खोलते थे, ये भी आइटम इंजेक्टर लूजनर पुलर भी मैंने ऐड किया हुआ है किट के अंदर। ओके, ठीक है, और ये मैंने चिप का इंजेक्टर पुलर भी ऐड किया हुआ है। ओके, ये सब CNC मशीन से बना हुआ है। ठीक है, इसका वो खराब नहीं होगा? नहीं, अगर एक तरफ से खराब हो गया तो आप दूसरी तरफ से इसको बदल के यूज कर सकते हो। ठीक है, चलता है। और ये तो मैंने ऐड किया हुआ है, और इसके साथ मैंने एक डेल्फी का नोजल भी ऐड किया हुआ है।
आप इसको निकाल दो, आपका बॉस का गाड़ी डेल्फी का गाड़ी है, इसको लगा दिया आपने तो ये इंजेक्टर पूरा वो भी काम कर देगा, और आपका ये खराब हो गया तो मैंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा नोजल भी ऐड किया, क्योंकि कितने लोग का कश्मीर से ऑर्डर आता है अभी उसके लिए भी बेचारा किट ये खराब हो गया अगर भविष्य में, तो वो एक के लिए मेरे पास ऑर्डर करेगा। हाँ, सही। तो ये भी मैंने एक आइटम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम ठीक है, इसका एक एक्स्ट्रा भी ऐड किया मैंने किट में, एक टॉक रेंज मैंने ऐड किया हुआ है। ओके, ये इंजन मारता है ना जी जी। अभी आपको जैसे 30 NM में आपको बोल्ट टाइट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, तो ये टॉक रेंज भी मैंने ऐड किया DN160 वाला, इसको पीछे से खोला, उसके यहाँ से घुमाया, आपने टॉक सेटिंग कर लिया, प्रेशर मार दिया, टॉक रेंज ये भी मैंने ऐड किया है। ओके, इसको DN160 ठीक है, ये 160 वाला इसका टॉक रेंज है। उसका देखो मैं KG में वो बता दूँ, क्योंकि कितने व्यूअर्स पूछेंगे, मैं KG में कैपेसिटी इसका 5 से 23 और NM में कैपेसिटी 50 से 225 और ये LBFT में 40 से 160 और आपका LBFTS में है 450 से 2000 ठीक है, ये भी मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, ओके। एक ये स्टीयरिंग पुलर छोटा वाला, हाँ ये भी मैंने ऐड किया हुआ है, स्टीयरिंग पुलर पाइप रिंग दो ऐड किए हुए मैंने। ओके, एक छोटा वाला 8 इंच वाला और एक ये 14 इंच वाला, दो मैंने पाइप रिंग ऐड किए हुए हैं। और टी स्पिनर भी मैंने हैवी क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं, ब्लैक सीआर ब्लैक है तो ये लोकल होगा नहीं, कभी भी आपका टूटेगा स्लिप मारेगा पिस्टन भी रिप्लेस मिलेगा। इसमें 5 टीपाने यूज़ किए हैं, 8, 10, 12, 13, 14 हाँ 5 टीपाने मैंने रनिंग इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, एलिंकी सेट मैंने ऐड किया हुआ है, एक स्टार वाला और एक एलिंकी वाला नॉर्मल वाला, और कम एलिंकी सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। और एक ये एलेंगे से रेड किया हुआ, अभी कितने व्यूअर्स पूछेंगे भाई के वो छोटा पेटी में तो आ गया, लेकिन ये छोटा पेटी में वो आइटम नहीं है, उससे भी 5 पेल वाला है, 5 पेल वाला है, उसमें 6 पेल है, इसमें 5 पेल है, ये आप कहीं पे भी ढूंढोगे या नहीं मिलेगा, ये वो आइटम है। ओके, ठीक है, ये भी एक ऐड किया मैंने। अभी हैमर मैंने जो ऐड किया हुआ देख लो फाइबर का नायलन हैमर मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, 300 ग्राम वाला सबसे पहले तो हैमर ऐड किया हुआ है। ओके, ठीक है, एक ये 2 LP का गन ऐड किया हुआ है, आपको XL ठोकना था इससे ठोक सकते हो, एक वो ऐड किया हुआ है, और एक फाइबर है नाइलॉन हैमर ऐड किया हुआ है। ठीक है, मैंने 40 mm वाला। ओके, अभी ये शेप गाड़ी का टाइमिंग किट भी मैंने एक ऐड किया हुआ है, शेप गाड़ी की जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है उसका टाइमिंग टूल्स जो रनिंग है वो मैंने ऐड किया हुआ है, और एक स्कोडा, दो गाड़ी रनिंग चलता है, रनिंग चलता है स्कोडा और शेप का, और दोनों का टाइमिंग किट मैंने किट के अंदर रेडी करके रखा हुआ है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी गाड़ी का टाइमिंग किट चाहिए, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जगुआर, सब गाड़ी का रेडी स्टॉक में टाइमिंग किट पड़ा हुआ है, लेकिन ये मैंने किट का बजट ना हाई ना हो जाए इसीलिए मैंने रनिंग आइटम ही डाली हुई है। सही, 3 सॉकेट मैंने ऐड किए हुए हैं, M14, M16 और M17, अच्छा M14, 16, 17 जो इसको के व्हील के अंदर लगता है, हेड में लगता है, सब में लगता है, ये 3 बॉक्स माने ये एक्स्ट्रा पैसा भी दोगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, सब ऑकवर्ड साइज है, सब ड्रिंकिंग क्रूज में आपको मिल जाएगा, और मैंने किट के अंदर डाला हुआ है, डाला और एक पिलर गेज मैंने ऐड किया हुआ है, ये पिलर गेज भी मैंने ऐड किया हुआ है, ये वाल का जो आपका कितना गेज है, कितना थिकनेस है वो मापने के लिए पूरा गेज ऐड किया हुआ, देख लीजिए सबके ऊपर MM लिखा हुआ है जी, ये पूरा पिलर गेज, एक छोटी साइज और एक बड़ी साइज भी ऐड किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हमारा और ये ड्रम पुलर भी ऐड किया हुआ है, जो एक्सेल में से जो ड्रम खींचते हैं ना, हाँ ड्रम पुलर, गुटका पुलर, ये ड्रम पुलर भी देख लीजिए, हैवी ड्यूटी वाला मैंने ऐड किया हुआ है, और ये दो एडेप्टर भी साथ है। ओके ओके ओके, और ये आ गया हमारा बैरिंग कूलर भी ऐड किया हुआ है, एक मैंने बैरिंग 6 इंच वाला भी बैरिंग कूलर ऐड किया हुआ है। ठीक है, ओके, ये अब छोटे छोटे पीस आ रहे हैं। और एक मैंने नट कटर भी ऐड किया हुआ है, इसके अंदर मैंने जो नट को आसानी से काट देगा, अगर आपका कोई नट नहीं खुल रहा है, बहुत जाम है, तो इसको आप इसे यहाँ से घुमाओगे, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आपका नट लगा दिया आपने, इसको घुमा दिया, इसका आपने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया हुआ है, इसको पूरा नट कटर बोलते हैं, आपका छोटे से लेकर बड़ा जितना भी बड़ा नट होगा पूरा काट देगा, आपको ग्राइंडर वाइंडर चलाना कुछ काम नहीं है, ये डायरेक्ट नट काट देगा। और दूसरा ये आइटम, ये जो आइटम है ना अरुण भाई, ये जो आपका मैकफील का जो नट एक बार स्लिप हो गया, फिर उसके बाद आप लेथ वाले पास चले जाओ, वेल्डिंग वाले पास, वो खुलता नहीं है, ये इसके अंदर पूरा पेल देख सकते हो आप। ओके, ये उल्टा पेल है जी, उल्टा पेल है, और दूसरी बात
कि ये उल्टा पहले उसके अंदर आप जैसे जैसे आप जो भी बॉक्स बना जाएगा उसको ऐसे पकड़ लेगा, टाइट करेगा, ग्रिपिंग कर लेगा। तो ये आपका स्पेशल मैकल सॉकेट जो बोलते हैं वो भी पूरा मैंने ऐड किया, जो आपका नट नहीं खुलेगा वो सारा नट इसमें से खुल देगा। इसमें 16 नंबर 17 नंबर से स्टार्ट हो गया, 24 27 नंबर तक है। इसका पहले एक बार नजदीक से देख लो, ये भी मैंने पूरा किट में ऐड किया हुआ है। ओके, बहुत बढ़िया पूरी किट मिल रही है हमको यहाँ पर। यह पिकअप टू लेट किया हुआ है। ओके, जब आपका बॉल कहीं पे हाँ वो दरवाजे में अगर कुछ गिर गया तो सही है, पिकअप टू लेट किया हुआ है। स्क्रू वगैरह कुछ नीचे डैशबोर्ड में गिर जाते हैं तो उसको उठाने के लिए। ओके, एक 1-2 का ऑयल कैन भी ऐड किया हुआ है। ओके, छोटी छोटी डिटेल हमने ध्यान रखी है, ऑयल को भी जो बोलते हो ऑयल। ये भी बहुत सुपर आइटम हमने ऐड किया हुआ है। ओके, जो आप मैकेनिक का आप काम लेके बैठे तो बहुत सारा ओरिंग आता है, इसको पेचा मारते तो ओरिंग टूट जाता है, खराब हो जाता है। अब वो ओरिंग रहता 2 रुपए का, लेकिन मिलता नहीं है, आपको लेने जाना पड़ेगा 30 किलोमीटर। हाँ, ये पेचे का सेट है, आपने ओरिंग निकालना है इजीली, आपका ओरिंग निकल जाए। ये भी पूरा सेट मैंने किया हुआ है, ठीक है। 2 काना सेट किया हुआ है। अच्छा, एक फ्लैट वाला और एक हाफ राउंड वाला। राउंड वाला और राउंड वाला भी जिसको चाहिए तो मिल जाएगा एक्स्ट्रा में, बड़ा छोटा सब मिल जाएगा। जो रनिंग जो चलता है वो 2 काना सेट बोलते उसको बैठ किया हुआ है। ओके, ये भी अरुण भाई बहुत सुपर आइटम ऐड किया हुआ है, पंच ऑटो सेंटर पंच बोलते हैं उसको। ओके, अभी क्या हथौड़ी नहीं है जिसी के पास। हाँ, वो आप पंच पे हथौड़ी ठोको, पहले मगजमारी करो, इसको खाली ऑटो यहाँ पे लगा दिया मैंने, इसको यहाँ से पंच कर दिया, देखो पंच हो गया। हो गया, ओके। ये ऑटो सेंटर पंच भी किट के अंदर मैं दे रहा हूँ, ये भी मैंने किट, छोटी सी चीज़ें हैं मगर बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। एक कार लाइट टेस्टर ऐड किया हुआ है मैंने। ओके, जो आपका कार लाइट का टेस्टर जो यूज़ करना है आपको, जहाँ पे काम में लेना है वहाँ पे आप काम में ले सकते हो, 12 वोल्ट वाला टेस्टर, कार लाइट टेस्टर, ये भी ऐड किया हुआ। ओके, लाइन चेक कर दो। और ये सबसे सुपर आइटम मैंने ऐड की है, जो आप ब्रेक में से जो एयर निकालते हैं। हाँ, जो एक बंदा पंपिंग करता है और दूसरा बंदा वहाँ से वहाँ पे चेक कर घूम पाड़ता है कि भाई एयर नहीं आया, एयर नहीं आया, आ जाता तो 2 मिनट में आता, नहीं आता तो आधा घंटा लगेगा। तो ये जो किट ले लेगा तो उसको दूसरा एक ही बंदे का काम है, दूसरे बंदे का काम नहीं है। यहाँ से खाली आपको एयर खींचना है, यहाँ से सक्शन करना है, ऐसे आप लगा देंगे ना आप, ये बोतल में आपका जो भी है पूरा एयर भी आ जाएगा, ऑयल भी आ जाएगा। तो एक ही बंदा काम करेगा। जो प्रीमियम जो रनिंग आइटम है वो मैंने ऐड की है किट के अंदर, वरना ऐसी 100 पेटी में बस पड़ी हुई पड़ी है। ओके, उसका हम डालेंगे ब्रेक में, चेयर निकाल दो उसके काम में आएगा। ये हमारा जंपर, क्या जंप केबल मैंने ऐड किया हुआ है। ओके, बहुत हैवी क्वालिटी है, याटो कंपनी का सर ही है। ओके, 6 एम्पीयर तक आपका बैटरी आपको पहले तो अगर किसी का गाड़ी बंद हो गया है तो वहाँ पे आपका 2 बंदा जाएगा, एक बैटरी पकड़ेगा और एक बंदा गाड़ी चलाएगा। 2 बंदर का काम है, बड़ा बैटरी लेके जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके पूरा परेशान, 20 किलो का बैटरी उसको वहाँ पे जम मारो। अभी ये पावर बैंक छोटा सा है, अकेला बंदा किसे में लेके चला जाएगा। ओके, ये पावर बैंक भी मैंने ऐड किया हुआ है, देख लीजिए आप। ये भी याटो कंपनी का और इसका 12,000 mAh का कैपेसिटी है, कैपेसिटी यानी आपका 300 से 150 एम्पीयर का जो बैटरी है वो भी सेल मार देगा। इसके अंदर इतने सर्किट लगे हुए हैं कि ये इतनी ज़्यादा उठा सकता है। ये देखो, ये ऑन ऑफ हो जाएगा यहाँ से, ये ऑन हो रहा है। ओके, ठीक है। तो रात में आपको टॉर्च वॉच वगैरह, आप हाईवे पे आपको किसी को सिग्नल देना है कि भाई यहाँ पे मेरा काम चालू है, तो आप इसको रख के ऐसे लगा दो तो भी चालू रहेगा, चालू रहेगा। और दूसरा मेन चीज़ इससे आप आपका मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब चार्ज होगा, सबका सिस्टम अंदर दिया हुआ है। पावर बैंक है, ये भी मैंने प्रीमियम किट बनाया तो ये इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने। ओके, ये ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना रहे। ठीक, तो बेकर एक ग्राइंडर, ग्राइंडर पावर बेल्ट, ये पावर बेल्ट कंपनी का वाटर प्रूफ 6 मंथ वारंटी वाला और 1200 वोल्ट वाला वाटर प्रूफ जी, वाटर प्रूफ भाई। ये मैंने ग्राइंडर भी ऐड किया हुआ है, जो आपका पत्रा वगैरह काम काटना, कुछ भी काटना है तो आप काट सकते हो। ग्राइंडर भी मैंने किट के अंदर ऐड किया हुआ है, किया हुआ है। कोई चीज़ आपको बाहर लेने नहीं जाना पड़ेगा। और ये आपका एक ड्रिल मशीन भी ऐड किया हुआ है मैंने, 13 mm का, जो आपका लकड़ा लोखंड दीवार में सब में चलेगा, राइट लेफ्ट भी हो जाएगा, इसको भी खोल सकते हैं, इसको भी टाइट कर सकते हैं, मल्टी पर्पज। एक ड्रिल मशीन 950 वोल्ट का, ये भी ऐड किया हुआ है मैंने। ओके, और ये चीज़ मैं आपको एक बार समझा दूँ। हाँ, ये यूट्यूबर्स लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि ताकि वो भी बाद में ऐसा नहीं बोले कि आपने 3 गन दिखाया था, आप 3 गन मेरे को किट में दो। हाँ, एक बार व्यूवर्स लोग आप ध्यान से सुनना। हाँ, अगर आपके पास कंप्रेसर है तो ये वाला मैं दे सकता हूँ। हाँ, कंप्रेसर नहीं है आपके पास। हाँ, तो इलेक्ट्रिक वाला दे सकता हूँ। हाँ,
और अगर आपको इलेक्ट्रिक भी नहीं चाहिए तो बैटरी वाला दे सकता हूँ, बस तीनों में से कोई भी एक गन मिलेगा आपको। हाँ, तीनों में से कोई भी में से कोई भी एक ही गन मिलेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, और तीनों का बजट मैंने सेम रखा है। हाँ, तो ताकि आपको जो पसंद आए आप ले सकते। अगर आप ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास कंप्रेसर है तो मैं एक न्यूमेटिक ले लूँ। हाँ, मैं तो न्यूमेटिक सजेस्ट करूँगा, सबसे बेस्ट ये रहेगा। अगर न्यूमेटिक नहीं है तो आपको इंप्रेशन वाला काम करना है, न्यूमेटिक भी लेना है, ये भी लेना है, तो उसका आप एक्स्ट्रा चार्ज देके ले सकते हो। लेकिन ये तीनों में से आप कोई भी एक गन ले सकते हो। और एक बार मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक ले सकते हो या कोर्डलेस ले सकते हो या न्यूमेटिक ले सकते हो, तीनों में से कोई भी एक गन ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसीलिए किट में बता दिया कि किसी का न्यूमेटिक का सीयू दिया तो न्यूमेटिक ले सकता है, किसी को इलेक्ट्रिक पसंद आया तो इलेक्ट्रिक ले सकता है, और किसी को कोर्डलेस पसंद आया तो कोर्डलेस ले सकता है, तीनों में से कोई भी एक किट में अगर चाहिए तो। ओके, ये आ गया हमारे पास जैक, सबसे महत्वपूर्ण तकरीबन 40 से 35 किलो का जेक होगा। सही बात, ये साइड रिंग का जेक है और ये एसके कंपनी का हेवी ड्यूटी वाला जेक हम लोग स्पेशल ऑर्डर पे बनाते हैं। ओके, ये जेक हमारे जो कहीं नहीं मिलेगा, आपको दिल्ली वाला जेक मिलेगा, नेशनल वगैरह जो आता है, जो बार बार लीकेज मार जाता है। और इम्पोर्टेड जेक भी है मेरे पास, मैं जाऊँ तो इम्पोर्टेड जेक भी एड कर सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं किया कि वो लीकेज मार जाएगा तो रिपेयरिंग नहीं होता। हाँ, रिपेयरिंग नहीं होता। और ये आप 5 साल बाद भी मेरे को वीडियो कॉल के बोलता होगा ना, तो मैं उसको रिपेयरिंग फोन पे समझा दूंगा। अच्छा, और रिपेयरेबल आइटम स्टेनलेस स्टील का पंप है ये। अच्छा, और प्लस ये मेटल का व्हील, मेटल के व्हील है, पूरा मेटल का जेक है। और 3.5 टन का जेक मैंने जेक ऐड किया, 3.5 टन का मैंने अंदर जेक ऐड किया हुआ है, सबसे जेक हेवी जेक ऐड किया हुआ है। ठीक है, और हाँ, स्पेशल आइटम ये भी ऐड किया मैंने, ये घोड़ी 4 पीस घोड़ी एड किए मैंने भाई, 4 पीस क्या आप पूरी गाड़ी गाड़ी उठा दो। और ये एक घोड़ी का वेट देख लो, ओहो, ये तकरीबन 7-8 किलो, 4-4 हजार का घोड़ी है। ओके, और ये 6 टन का कैपेसिटी है। अच्छा, आप इसके नीचे बस भी उछल लो, गारंटी 10 साल कुछ नहीं होगा। चार घोड़ी मैंने एड किया किट के अंदर, 4 घोड़ी भी आपको, एक जैक और 4 घोड़ी भी एड किया मैंने। ओके, और ये वाइज भी आप दे रहे हैं, ये वाइज भी मैंने फिगर वाइज ऐड किया है, ऐसा नहीं कि आपको लोकल वाइज दे दूं। हाँ, ये खाली एक उंगली से घुमाओ, पूरा एक उंगली से घूमेगा ये। ओके, क्या बात है, ये देख लीजिए आप, गैरेज में कोई भी एक तरफ आप लगा दो, ये पूरा एक उंगली से मैं घुमा रहा हूँ, ये बहुत फ्री है। तो ये फ्री वाइज और ऑर्कन कंपनी का हेवी ड्यूटी वाइज है, और ये कभी भी टूटेगा, स्लिप मारेगा, पिस्टल रिप्लेस दूंगा ये। ओके, और ये पूरा किट लेगा तो ये रेट में मिलेगा। हाँ, अगर वो आएगा बोलेगा थोड़ा ये, हाँ, दो, थोड़ा ये दो, तो वो रेट में मिलेगा, रेट में मिलेगा। क्योंकि ये हमारा एक वो रहता है। हाँ, कि मैंने किट बना दो, मेरे को इसका 50 किट बेचना है, तो हिसाब से मैंने रेट लगाया हुआ है, कॉम्बो टाइप है। ये पूरा किट लेगा तो उसको ये सारा आइटम मिलेगा, सारा आइटम मिलेगा। अगर आप ये अलग से वाइस लेंगे तो वाइस का जो भी चार्ज होगा वो आपको अलग से देना। जी, ये पूरा किट का वीडियो है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये वाइस भी आपका 5 लीटर का वाइस आ जाएगा। और ये प्रेशर वॉशर मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है हारून भाई, ये जो प्रेशर वॉशर इतना काम का आइटम है ना। हाँ, अगर आपका 300 रुपए का एक गाड़ी वॉशिंग चलता है, फोर व्हीलर का, अगर आपका खुद का भी गाड़ी वॉश करोगे ना 5 गाड़ी, तो रोज का 1500 रुपए आप बांट देते हो। आप एक महीने का आप ट्रांजेक्शन करो तो 45,000 रुपये होता है। और मेरा पंप खाली आपका एक महीने पैसा वसूल कर, पैसा वसूल कर। और आप जब फाड़का भी दोगे ना खाली इंजन का फाड़का। हाँ, तो भी पैसा वसूल है। आपको लेत वाले पास कहीं पे आपको इंजन का वो फाड़का लेना, तो बोले बोलेगा भाई वॉश करा के। हाँ, धुला के। आप धुलाने जाओगे भाई 10 गाड़ी खड़ा है, बोलेगा भाई शाम को देता हूँ, तो आपका काम लेट हो गया। या आपने खुद ने नल में लगा दिया, डोल में डाल दिया, और ऑटो आएगा और प्रेशर इतना हाई आएगा कि आप हाथ रखोगे तो आपका हाथ में वो देगा, इतना हार्ड प्रेशर आएगा। सही है, सही है। 220 वाला बार वाला मैंने हेवी ड्यूटी वाला पंप भी पूरा किट के अंदर, किट के अंदर। ठीक है, ओके। और एक लास्ट में टूल बॉक्स भी मैंने ऐड किया हुआ है। ये सारा सामान इसमें आ जाएगा, सारा सामान आप इसमें रख सकते हो, इतना सारा टूल बॉक्स भी मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा किट देख लिया आपने, एक बार फिर से आपके व्यूअर्स को दिखा, पूरा किट देख लिया, देख लीजिए आप पूरा किट दोस्तों। ये सारी किट का अब हम फैजल भाई से प्राइस पूछने वाले हैं कि कितने रुपए में हमें मिल जाएगा और फैजल भाई हमें किस तरीके से इसको पहुंचाएंगे। तो फैजल भाई क्या प्राइस बताएंगे आप? जी, मैंने इसका जो प्राइस रखा हुआ ना, इसे हमारा मैंने अभी जो कैल्सी मारा था, टोटल हमारा अमाउंट हुआ 2,07,000 रुपया। ओके, पूरा किट का। लेकिन अगर वो कोई बंदा आएगा जो बोलेगा मेरे को पूरा किट चाहिए, तो मैं उसको 2 लाख में किट दूंगा। ओके, लेकिन सर इतना रहेगा कि 10-15 दिन या महीने के अंदर। हाँ, तो उसके बाद सबका रेट कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है। तो ये आपको 2 लाख में पूरा किट पड़ेगा, पूरा किट आ जाएगा। ठीक है, और ये भी पूरा किट लेंगे तो, वरना नहीं आप बोलेंगे भाई मैंने 1,60,000 का माल दिया मेरे को वो दो, ऐसा नहीं होगा। ये 2 लाख के अंदर पूरा किट मैंने, और सब जेन्युइन पार्ट्स रेडी किया है। इससे पहले मैंने 58,000 वाला भी किट रेडी किया था, रनिंग आइटम था, उसके अंदर इतना सब सामान नहीं था। लेकिन ये
उससे थोड़ा हैवी बनाया मैंने, हैवी बनाया वरना ऐसे तो मेरे पास बहुत सारा टूल्स है जो कोई अंत नहीं है, लेकिन मीडियम रेंज के अंदर मैंने ये वाला किट बनाया हुआ है। अगर उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आपका 2 लाख का बजट नहीं है, आप 1 लाख का टूल लेके जाते हो, 1 लाख का भी नहीं है, आप 50,000 का, 20,000 का, आप आओ खाली एक बार, आपका जो बजट है वो बजट में हम आपका गैरेज सेट करके देंगे। ओके, ठीक है, सारा सामान एक जगह पे। दूसरी बात, हमारे पास सीओडी भी हो जाएगा, लेकिन सीओडी में टर्म एंड कंडीशन ऐसा कि अभी 2 लाख का हमारे तो आपको मिनिमम 50,000 पहले पे करना पड़ेगा, एडवांस देना, उसके बाद 1.5 लाख रुपया वहाँ पे दो पूरा। और ये जो हम बता रहे हैं यही सारा सामान आपको कार्टून में भी मिलेगा मोस्ट ऑफली। तो हमारा मेन काम तो पहले केस आता है उसके बाद ही देते, क्योंकि इतना बड़ा आइटम है, फिर वहाँ पे भेजा, मोबाइल स्विच ऑफ आता है, फोन नहीं रिसीव कर रहे, तो वहाँ से भी इतना इसका दागिना खाली 10,000 तो हमारा खुले चार्ज लग जाएगा, चार्ज लग जाएगा। तो इतना 10,000 कमाना नहीं है उसके अंदर चला जाता है। तो इसीलिए आप, मैं तो एक ही बात सजेस्ट करना चाहूंगा सर, कि आपके जो भी व्यूअर्स है ना वो यहाँ पे आओ एक बार शॉप पे, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के आऊँ, आपको बेस्ट डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये सब व्यूअर्स के लिए रेट है, वरना इधर पे अदरक जो कस्टमर आएगा उसके लिए 2,15,000 2,20,000 का तक का किट जाता है, जाता है, जाता है। ये हमने स्पेशल आपके व्यूअर्स के लिए लेके ये पूरा किट बनाया हुआ, और मेरा दावा ये लगभग इंडिया में कोई नहीं, कोई नहीं बनाया। यस यस, और ये दोस्तों हमारे पास से किट ऑलरेडी परचेज होता है, और हमारे पास से अच्छे अच्छे कस्टमर लेके जाते हैं। और दूसरी बात, एक चीज मैं भूल गया था, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मैं इंजन गन भी ऐड किया हुआ, इधर आ जाओ। हाँ, वो आपने रह गया इंजन उठाने के लिए, जी वो इसमें आएगा। हाँ, वो भी किट के अंदर ऐड किया हुआ है, वो मैं भूल गया था सर। ये जो इंजन क्रेन है ना, हाँ ये इंजन क्रेन, अच्छा 2 टन वाला, ओके हैवी ड्यूटी वाला, ये भी मैंने किट के अंदर ऐड किया हुआ। इंजन क्रेन भी है, ये सब आ गया इसके अंदर सर। वाह भाई वाह, और मेरा गारंटी इतना सामान कोई नहीं देगा, नहीं मिलेगा, 2 लाख में तो नहीं मिलेगा। इंजन क्रेन ही मार्केट में 20,000 25,000 आता है, सही है, खाली जेक 10,000 रुपए जेक है, वो प्रेशर पंप 15,000 रुपए का, आप ऐसे लगाने जाओगे तो बहुत बजट हो जाएगा। 2 लाख पेटी है 15,000 रुपए का, ओके खाली ब्रेक डाउन पेटी 15,000 रुपए का है, ओके ये टॉर्क रेंज 5,000 का है, जी 5,500 का टॉर्क रेंज है अभी, इतना था वो खाली, वो पावर बैंक है 10,500 का। ये सारा सामान 2 लाख में आप दे, जी वो भी पूरा किट लेगा तो, वो बोले 1,90,000 का माल लूंगा तो भी नहीं आएगा, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं मिलेगा। सही सर, ये पूरा किट बना हुआ है, और इसके अंदर मेरा बजट, मैंने खुद ने मारा 2,08,000 हो रहा है, लेकिन मैं 2 लाख में पूरा किट दूंगा, इंजन क्रेन के साथ में, इंजन क्रेन के साथ में, ओके ओके। तो दोस्तों, जिन व्यूवर्स को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए लाइक भी कर लें, और आपको पता ही है कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी अवेलेबल है, छोटे छोटे इस प्रोडक्ट के वीडियो और सारे प्रोडक्ट आपके वीडियो देख रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।